वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एमरॉन के बारे में। एमरॉन टैबलेट और सिर्फ फॉर्मेशन में दोनों में हमें देखने को मिलता है। यह एमिल फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन आज हम बात करेंगे एमरॉन सिर्फ के बारे में। एमरॉन सिर्फ एक नेचुरल हेल्थ रिस्टोरेटिव हर्बल हेल्थ सप्लीमेंट है, जो कि शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करता है। यदि बात करें हम इसके कॉम्पोजिशन के बारे में, उससे पहले हम जानेंगे इसके कुछ कॉमन यूजेस के बारे में। यदि यूजेस की हम बात करें तो यह एमरॉन सिर्फ एनीमिया में खून की कमी की पूर्ति करता है। यह बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स के लेवल को इंक्रीज करता है, साथ ही यह बॉडी में होने वाली थकान और नॉर्मल कमजोरी को दूर करता है। इसके साथ ही हम इसके अन्य यूजेस की अगर बात करें तो यह प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाता है। इसकी विभिन्न प्रकार की कॉम्पोजिशन के चलते इसके बहुत तरह के यूजेस हमें देखने को मिलते हैं। यदि हम बात करें एमरॉन की तो यह डेंगू फीवर व शरीर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर में बढ़ती है। इसके साथ ही यह शरीर में एनर्जी लेवल को मेंटेन करता है व स्टेमिना को इनक्रीज करने का कार्य करता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके कॉम्पोजिशन के बारे में। कॉम्पोजिशन की यदि हम बात करें तो यह जेंटल आयरन मिनरल्स एंड विटामिन्स की कंपोजिशन को अपने अंदर कंपोज करता है। बात करते हैं इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स के बारे में। इंग्रेडिएंट्स की यदि हम बात करें तो हमें इसमें सबसे पहले पपाया एक्सट्रैक्ट देखने को मिलता है, जो कि 1100 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। यदि हम बात करें पपाया एक्सट्रैक्ट की तो यह बॉडी में प्लेटलेट्स काउंट को इंक्रीज करता है, साथ ही डेंगू फीवर व स्किन के साथ साथ हेयर हेल्थ की भी ग्रोथ करता है। इसी के साथ यदि हम बात करें पपाया एक्सट्रैक्ट की अदर प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो यह कैंसर में प्रिवेंशन करता है, साथ ही यह इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है व इम्प्रूव करता है ब्लड शुगर लेवल को। इसी के साथ यदि हम बात करें इसके अगले इंग्रेडिएंट्स के बारे में तो वो है शिग्रू। शिग्रू हमें एमरॉन सिर्फ के अंदर 400 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में देखने को मिलता है। यदि हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो इसकी एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ यह एंटी हाइपरटेंसिव व अनाल्जेसिक तथा एंटी इन्फ्लामेटरी यानी के स्टमक के अंदर होने वाले किसी भी प्रकार के हल्के सूजन या अन्य किसी भी इस प्रकार की डिजीज़ के चलते इसका इस्तेमाल होता है। साथ ही यदि हम बात करें इसके कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो यह एंटी एलर्जिक, एंटी डायबिटिक व यह शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रोल प्ले करता है। बात करते हैं इसके अगले इंग्रेडिएंट यानी के अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा 300 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में हमें एमरॉन सिर्फ में देखने को मिलता है। बात करें इसकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो यह स्ट्रेस से राहत दिलवाता है, साथ ही यह एनजाइटी व ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का कार्य करता है। इसी के साथ यह मसल स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करता है। यदि हम बात करें अश्वगंधा की मेंस के अंदर तो यह फर्टिलिटी को बूस्ट करता है, साथ ही टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करता है, साथ ही यह मेमोरी लेवल को भी शरीर में इंक्रीज करता है। इन सभी इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ हमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि बठुआ, आमला, सफ़ेद मूसली, सोयाबीन व हरित की के साथ साथ सूरजमुखी, सिंघाड़ा एंड अलसी।
यदि हम बात करें सिंघाड़ा की तो यह शरीर के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि यह बॉडी के अंदर ज्वाइंट्स को क्योर करने का कार्य करता है। साथ ही यदि हम बात करें इसके कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ व यूरिन इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के साथ साथ यह डाइजेशन या इनडाइजेशन को क्योर करने के साथ यह नौजिया में भी अपना बेहतरीन रिजल्ट प्ले करता है। साथ ही यदि हम बात करें तो यह बॉडी के अंदर हाइपरटेंशन व ब्लड शुगर लेवल को इम्प्रूव करने का कार्य करता है। साथ ही हम बात करें अगले इंग्रेडिएंट्स के बारे में तो हम बात करेंगे अलसी के बारे में। अलसी इसके अंदर हमें 15 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में देखने को मिलता है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को ट्रीट करने का कार्य करता है। साथ ही यह कार्डियोवैस्कुलर रिस्क जैसे कि हार्ट स्ट्रोक या हार्ट संबंधित बीमारियों में सहायक होता है। इसी के साथ यह ब्लड शुगर लेवल को इम्प्रूव करने का कार्य करता है। जनरली यदि हम बात करें एमिरॉन सिरप के बारे में तो यह खून की कमी को पूरा करता है। साथ ही प्लेटलेट काउंट्स को इंक्रीज करता है व इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होने के कारण यह शरीर को बीमारियों से बचाता है। वह थकान वीकनेस तथा चिंता व तनाव के साथ साथ पाचन संबंधित बीमारियां जैसे कि भूख ना लगना अपचन या इनडाइजेशन के साथ साथ यह एनर्जी को बूस्ट करने का कार्य करता है। बात करते हैं इसके कॉमन डोजेस के बारे में। यदि हम बात करें इसके जनरल डोजेस के बारे में तो एडल्ट्स में इसकी 15 ml दिन में 3 बार व 7 से 12 साल के आयु के बच्चों में यह 10 ml दिन में 2 बार। साथ ही यदि हम बात करें 4 से 6 साल के आयु के बच्चों के लिए तो यह 5 ml दिन में 2 बार व के साथ यदि हम बात करें 1 से 3 साल के आयु के बच्चों के लिए तो यह 0.5 चम्मच दिन में 2 बार दिया जा सकता है। यदि हम बात करें डोजेस के बारे में तो किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पूर्व अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। फ्रेंड्स बात करते हैं एमिरॉन सिरप के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। यूं तो एमिरॉन सिरप एक सेफ हर्बल सप्लीमेंट है लेकिन इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की यदि हम बात करें तो स्किन पर रैशेस व ईचिंग का होना कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं। हम बात करें प्रिकॉशंस के बारे में तो प्रेगनेंसी व लैक्टेटिंग मदर में यह एक सेफ हर्बल सप्लीमेंट है लेकिन प्रिकॉशन के चलते हम बात करें तो इस सिरप में नो अल्कोहलिक यूज यानी कि शराब का सेवन इसके साथ बिल्कुल ना करें। तो फ्रेंड्स आज हमने जाना एमिरॉन सिरप के बारे में। यदि बताई गई वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।